देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। हिंदू धर्म में होली को अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। दो दिन का त्योहार होने के चलते एक दिन पूजा पाठ और दूसरा मौज मस्ती का होता है और इस दिन सफेद कपड़े पहनने की मान्यता है। वैसे तो होली खेलते वक्त लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे और अलग अलग स्टाइल के, लेकिन आपने देखा होगा कि फिल्मों में हमेशा से होली पर सफेद कपड़े पहनकर होली खेली जाती है और बहुत से लोग असल जीवन में भी होली पर सफेद कपड़े पहनते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि कपड़े खराब हो जाएंगे। असल में होली के दिन सफेद कपड़े सिर्फ फैशन के लिए ही नहीं पहने जाते बल्कि इससे कुछ जुड़ी मान्यताएं भी हैं। तो आइए जानते हैं कि होली के दिन किन कारणों से सफेद कपड़े पहने जाते हैं। आपको बताते चलें कि सफेद रंग को शांति और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। लोग इस दिन भाईचारे और आपसी प्रेम को बढ़ाने का संदेश देते हैं, इसीलिए सफेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि होली के दिन सफेद कपड़े पहनने से जीवन में सुख और शांति आती है। सफेद रंग को सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी फैलाने वाला रंग माना जाता है, इसीलिए इसको धारण करना अच्छा होता है। और साथ ही ऐसा भी कहते हैं कि दाग अच्छे हैं, इसी को देखते हुए होली के दिन सफेद पहना जाता है ताकि हर रंग उभर कर दिखे और होली का पूरा आनंद उठाया जा सके। साथ ही ये भी मान्यता है कि होलिका दहन पर सफेद रंग पहनने से घर में सुख और शांति आती है। गर्मियां भी बढ़ रही हैं, इस वजह से इस मौसम में सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि ये ठंडक भी देते हैं। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि इस साल देश भर में 18 मार्च को होली मनाई जा रही है, वहीं 17 तारीख को होलिका दहन। पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कई इलाकों में होली खेली जाती है। इस दिन लोग गीत भी गाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाते हैं। आपको बताते चलें कि होली के दिन सबसे पहले आपको मंदिर में देवी देवताओं को रंग का टीका लगाना चाहिए, फिर बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके पश्चात घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़कना चाहिए क्योंकि ये वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है। और अंत में अपने बराबर या छोटे जो भी लोग होली खेलना चाहते हैं उनकी मर्जी के अनुसार उनको रंग लगाना चाहिए। अगर सामने वाले को कोई एलर्जी है तो उसको रंग बिल्कुल ना लगाएं। आपको ये भी बताते चलें कि होली के दिन आपको अपना और सामने वाले का माथा सूना नहीं रखना चाहिए, छोटा ही सही एक तिलक जरूर लगाएं। आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान होली का जो त्योहार होता है वो आपसी सौहार्द का होता है। अपने राशि के हिसाब से आपको रंगों का चुनाव करना चाहिए और उससे होली खेलनी चाहिए जिससे आपके ग्रहों के दुष्प्रभाव खत्म हो जाए। आपको ये भी बताते चले कि होली में खेले जाने वाले केमिकल वाले रंगों से कई बार स्किन में एलर्जी हो जाती है, यही नहीं इनकी वजह से स्किन पर ड्राइनेस भी हो जाती है। ऐसे में होली खेलने से पहले आपको चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज करना जरूरी होता है। जहां तक हो सके बॉडी स्किन को कवर करके रखना चाहिए। साथ ही केमिकल वाले रंग बालों को भी काफी प्रभावित करते हैं, इसीलिए होली खेलने से पहले आपको बालों में तेल लगा लेना चाहिए और कपड़े से कवर कर लेना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि यूपी सरकार ने होली के उपलक्ष में 18 व 19 मार्च को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। 18 मार्च को होली का अवकाश था पर अब 19 मार्च को भी अवकाश रहेगा। गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सर्कुलर में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि यदि कोई होली के मौके पर शराब का सेवन कर हंगामा करने की कोशिश करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा रंग खेलने की अनुमति भी रात 10 बजे तक ही होगी। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि चल रही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को देखते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जोर शोर से नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा नियमों में ये भी कहा गया है कि किसी पर पेंट या पानी से भरे गुब्बारे नहीं फेंके जाने चाहिए। साथ ही किसी को जबरन रंग लगाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसको करने से आप पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है और आपकी होली की क्या शुभकामनाएं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।